मैं डॉक्टर प्रीति हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ मैं नोएडा में। आज मैं आपको ब्रेस्ट लंप के बारे में बताऊंगी। ब्रेस्ट लंप मतलब ब्रेस्ट में गांठ। हम हर कोई जानता है कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है इंडिया में। पहले ऑल ओवर वर्ल्ड था, अब इंडिया में भी काफ़ी इंसिडेंस हो रहे हैं। इवन ये कैंसर सर्विक्स से भी ऊपर जा रहा है। कि आपको मैं बताऊंगी कि कौन से लंप खतरनाक होते हैं, कौन से लंप नॉर्मल होते हैं, कौन से में आपको तुरंत डॉक्टर को विजिट करना है। हर कोई जानता है कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट 12-13 साल की एज से शुरू होता है, पर फुल ग्रोथ ब्रेस्ट की प्रेगनेंसी के दौरान होता है और लैक्टेशन में ब्रेस्ट से मिल्क आता है। लैक्टेशन पीरियड में फुल ग्रोथ होती है ब्रेस्ट की। ब्रेस्ट में जो चेंजेस होते हैं वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। जब पीरियड शुरू होता है तब ब्रेस्ट के डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी में, और हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है उसकी वजह से फुल ग्रोथ होती है ब्रेस्ट की। लैक्टेशन पीरियड में प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से मिल्क सिक्रेशन होता है। ब्रेस्ट में दो तरीके की गांठ होती है। एक गांठ होती है जिसका नाम होता है फाइब्रोएडिनोमा। ये सॉलिड लंप होता है बट ये कैंसरस नहीं होता है। यूजली ये यंग एज गर्ल्स में मिलता है, 20 से 30 साल की एज में मिलता है। इसको आप फील कर सकते हैं अपने फिंगर से। ये यूजली मोबाइल होता है, इसमें दर्द नहीं हो सकता है। इसको आप ईयरली चेकअप कर सकते हैं और इसको छोड़ा भी जा सकता है। पर अगर सडन साइज में इंक्रीज सडनली होना शुरू हो जाए या इसमें पेन शुरू हो जाए तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिए। दूसरा ब्रेस्ट में लंप होता है, उसको बोलते हैं फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़। फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ मतलब ये सिस्टिक चेंजेस होते हैं ब्रेस्ट में। ब्रेस्ट में जो लंप है पर वो सॉलिड ना होके थोड़ा सिस्टिक होता है। ये भी डेंजरस नहीं होता, ये भी कैंसरस नहीं हो सकता है, पर ये पेनफुल होता है। अगर ये पेन है, कई बार इसमें निपल से कुछ सिक्रीशन भी होते हैं, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से विजिट करना है। वो हो सकता है उस सिक्रीशन की जाँच के लिए भेजें, अल्ट्रासाउंड रेगुलर कराना होता है। तीसरा होता है अगर आपको कौन से ब्रेस्ट के कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर को विजिट करना है। अगर आपकी एज 40 और आपको लग रहा है कि आपके निपल्स दोनों एक लाइन में नहीं है, निपल्स अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हुआ है, या आपको कोई सॉलिड मास लग रहा है कि आपको कोई सॉलिड लंप फील हो रहा है ब्रेस्ट में, नहाने के टाइम में अचानक से उसमें टीस उठ रही है, या निपल में से कोई सिक्रीशन हो रहा है जैसे थोड़ा सा खून की आ रहा है, या कोई अल्टर्ड कलर का ग्रीनिश या कोई खून आ रहा है निपल्स में से, तो आप प्लीज़ डॉक्टर को दिखाइए। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत ईजिली हो सकता है। आप नहाते टाइम अपने फिंगर से चेक कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से एक बार पूछ सकते हैं कि मुझे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सिखा दीजिए। आप अगर नहाते टाइम रोज़ वो करना शुरू करें तो आप काफ़ी चीज़ें पहले से ही आपको पता चल सकती हैं। दूसरा, अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है अपने डॉक्टर को एग्जामिन कराइए, डॉक्टर भी एग्जामिनेशन करेंगे। दूसरा, आपके ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी से होता है। कुछ यूजली ब्रेस्ट कैंसर अगर फैमिलियर भी होते हैं कि आपके फैमिली में रन कर रहे हैं, अगर आपके कई कैंसर होते हैं कि आपने सुना होगा कि आपसे पूछा जाता है कि आपकी माँ को तो नहीं था या मौसी में तो नहीं था, कई कैंसर यूजली फैमिली में रन करते तो जल्दी होते। इसके चक अगर आपके घर में कोई फैमिली हिस्ट्री है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और लंप हो रहा है तो मैमोग्राफी यूजली 40 साल के बाद होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा हाई रिस्क कंडीशन नहीं है कि अगर आपके फैमिली में रन नहीं कर रहा है ब्रेस्ट कैंसर तो, पर उसके पहले सर्टन कंडीशंस में कि अगर आपकी बहुत हाई रिस्क है, आपके घर में हर जनरेशन में हुआ है कैंसर, वो भी अर्ली एज में हुआ है बिफोर 50, तो आपका मेमोग्राफी जल्दी भी किया जा सकता है। डॉक्टर आपके आपको एडवाइस करेंगे। पर प्लीज़ ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट लंप को नेगलेक्ट नहीं करना है। अगर आपको कुछ भी एबनॉर्मल फील हो रहा है आपके ब्रेस्ट में, आपको सडन पेन हो रहा है, तो एक बार अपने डॉक्टर को विजिट कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर लंप कैंसर हो, पर आपको एग्जामिनेशन आपको सिखा दिया जाएगा जिससे काफ़ी कुछ चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ ही प्रेगनेंसी रिलेटेड या गाइनी रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है, जैसे फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, या प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है, रिकरेंट मिसकैरेज हो रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर डिस्प्ले में आ रहा है।